ये इंडिया का पहला फ्लोटिंग मार्केट है जो कि कोलकाता के पाटुली में है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का नया फ्रेंड्स यंग ब्लॉगर सुमित। मेरा फर्स्ट ब्लॉग था हावड़ा ब्रिज के ऊपर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं VIP पाटुली, जहां पर नाव के ऊपर से बाजार लगता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहां से हम लोग बस उठेंगे। हम लोग फिर से अपने बस स्टॉप दुलतला बस स्टॉप पर पहुँच गए हैं, यहाँ से हमारा बस आएगा, हम लोग बस में उठेंगे, फिर दिखाते हैं आप लोग। दोस्तों, यहाँ पर लोहरदगा से पहले दक्षिणबाड़ी बस स्टॉप में छोटा सा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पर पुलिस आई हुई है, देखिए आप लोग कि लोहरदगा के बीच मुड़ने से पहले पड़ता है। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर, नाव पे बाजार लगता है, मैंने आप लोगों को कहा था, देखिए इधर। शाम होते ही धीरे धीरे सारी दुकानें खुलने लगेगी। अभी यहाँ पर सभी दुकान बंद है क्योंकि शाम अभी तक पूरी तरीके से हुआ नहीं है। अभी यहाँ 5:30 बज रहे हैं, 6 बजे तक, 6-7 बजे तक सभी दुकानें खुल जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ पर बालिश का दुकान है। यहाँ बाज़ार कितना दिन से लगता है, मतलब कितना साल से लगता है? 5-7 साल से लगता है। 5-7 साल से यहाँ पर बाज़ार लगता है नाव के ऊपर में। दोस्तों, अभी 7:30 बज गए हैं, फ्लोटिंग मार्केट ओपन हो गया है, दिखाते हैं आप लोगों को पूरा मार्केट।
ये इंडिया का पहला फ्लोटिंग मार्केट है जो कि कोलकाता के पाटुली में है। अरे भाई सब चाय का दुकान इधर बहुत है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दिया है, जगह का एड्रेस दे दिया है, आप लोग उसे देखकर यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दे दिया है लिखकर, आप लोग उसे देखकर भी आ सकते हैं। तो यही है मार्केट जो नाव के ऊपर लगता है, फ्लोटिंग मार्केट। ज़्यादा लंबा मार्केट नहीं है, मतलब थोड़ा मोड़ा ही बड़ा है, ज़्यादातर चाय का दुकान है, फुचका उचका है, सब्जी बाज़ार भी लगता है यहाँ पर, बैठ भी सकते हैं, कुर्सी वर्सी भी दिया हुआ है, मतलब ठीक ठाक ही है, भी ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए क्या सामान खरीदना है, सब्जी बाज़ार भी लगता है, चाय वाय भी पी सकते हैं यहाँ पर, बच्चे लोग का खेलने का सामान वामान। मार्केट पूरा फाका फाका ही है, तो मास्क लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मास्क नहीं लगाते हैं। तो यही है इंडिया का पहला फ्लोटिंग मार्केट जो कि नाव के ऊपर में बाज़ार लगता है। आप लोगों को फ्लोटिंग मार्केट में लेके आया, कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग अब बाहर निकलते हैं यहाँ से, तो अब घूमते फिरते यहाँ से बाहर निकलते हैं, चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम दीजिए तो दस वाला चॉकोबार है, चॉकोबार दे दीजिए। चॉकोबार खाते खाते यहाँ से बाहर निकल, मैंने आप लोगों को इंडिया का पहला फ्लोटिंग मार्केट घुमाया, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विक्टोरिया जाएंगे, और यहाँ पर और एक चीज़ है, हावड़ा ब्रिज जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था उसका डुप्लीकेट भी है यहाँ पर, मैं अभी जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा, तो यहाँ पर ये अंकल मेरा फ़ोटो खींच दिए हैं थंबनेल के लिए, थैंक यू अंकल। तो ये रहा दोस्तों डुप्लीकेट हावड़ा ब्रिज, छोटा सा ही है, ये सिर्फ देखने के लिए बनाया गया है, मनोरंजन के लिए, इसका अंदर नहीं जा सकते। देखिए जो भी है छोटा सा है, क्यूट है। तो यहाँ पर दुर्गा माँ भी बनाया गया है जो कि कोलकाता का फेमस पूजा है, दुर्गा पूजा। फ्लोटिंग मार्केट के ठीक ऑपोजिट साइड में क्यूट क्यूट से गणपति बप्पा भी है, देख रहे हैं आप। वीडियो को यहीं पर आज ख़त्म करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, मज़ेदार वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। आप लोग यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट में आइएगा, घूमने आइएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही, अब चलते हैं हम अपने घर।